वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, मजेदार तरीका से और नए जोश जुनून के साथ एक एक क्वेश्चन को डीपली देखेंगे। आपको ये गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और मैथमेटिक्स में आप तो मास्टर बन जाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन भारी नहीं होता है। देखिए, माइंडसेट अपना क्वेश्चन पे रखिए, ध्यान अगर कॉन्सेंट्रेट अपने एग्जाम पे रखिए कि तैयारी हमको जबरदस्त करना है। और ये गारंटी है कि आपका सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा और उसमें आप दी बेस्ट नंबर लाएंगे। 95 के नीचे तो आप लाएंगे ही नहीं। आप बस रेगुलरिटी से इस वीडियो को देखते रहिए और घर पर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। फालतू समय दोस्तों में बकवास करने से अच्छा है कि घर पे बैठिए और आराम से पढ़िए। और ज्यादा प्रेशर होकर नहीं पढ़ना, मतलब फ्री होकर पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर लेके भी पढ़िए कि बाप रे मैथ है, माथा खाएगा तो खाइबे करेगा, ठीक है। इसके लिए बेहतर है कि आप एक काम कीजिए, आराम से बैठिए, जो क्वेश्चन डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये डाउट हो रहा है। 1% भी डाउट हो रहा है तो उसको पूछने की कोशिश कीजिए। यहां देखिए, अब क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहां फाइंड द रूट्स। रूट्स का मतलब x का मान निकालना है। भाई सबका पावर 2 है, देख सकते हैं। इसका मतलब कि इसका x का वैल्यू कब आएगा, 2 आएगा, यानी x का आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो इसी को x का वैल्यू को रूट्स कहते हैं, यानी कि मूल कहते हैं। कह रहा है कि इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है आपके किताब में, क्वेश्चन नंबर 1 है उसके, देखिएगा 2 नंबर के ऊपर 1 है, उसी में से क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के जरिए बनाना है। तो याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि एगो हम लोग पढ़ चुके हैं, यही क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। या हम लोग गुणनखंड विधि यानी फर्स्ट इनटू लास्ट पढ़ चुके हैं। ये दोनों से आसान है फॉर्मूला लगा के बनाना। फॉर्मूला क्या है, तो आप दो तरीका से, या तो पहले डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना पड़ेगा, फिर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। आ नहीं तो अगर ये पहले नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ये जहां d है वहां का भर दीजिएगा, ये वाला वैल्यू भर दीजिएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन हमारा मानना है कि आप पहले d निकालिए, उसके बाद से ये ला के डी इसमें भर दीजिएगा। जानते हैं क्यों, अगर d निकालिएगा आप माइनस में आ गया d तो बनाना पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए बोल रहे हैं। यहां देखिए, तो a बराबर क्या है, a बराबर है 2, b बराबर क्या है, b बराबर है -7, और d बराबर क्या है तो 3 है। देखिए इसका छक्का कैसे छुड़ाते हैं, देखिए यहाँ पे हम भर रहे हैं, पहले d निकाल रहे हैं, विवेचक निकाल रहे हैं या विव्यक्तिकर, दोनों अगर देखिए एग्जाम में जैसे v का बात आए तो समझ जाइए क्या निकालना है, d निकालना है, विवेचक या विव्यक्तिकर, ठीक है। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है तो -7 का स्क्वायर और -4, ए कितना है तो 2 भरिएगा, और सी क्या, यहाँ सी होगा, सी क्या भरिएगा, 3 भरिएगा। 7 होता है 49 माइनस 2 चौका 4 × 2 = 8 × 3 = 24। जब ये घटाइएगा तो कितना होगा, 25 होगा। डी बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। जब डी बराबर 25 आ गया तो फॉर्मूला भरिए ना एक्स का, एक्स का फॉर्मूला भरिए -b, प्लस माइनस लिखना है या फिर प्लस अकेले अकेले नहीं, प्लस माइनस साथ में अभी लिखना है, रूट अंडर डी अबटा में 2a, माइनस है तो माइनस, b कितना है तो देखो इसमें b है -7, ठीक है, प्लस माइनस, d कितना है तो d आया है 25 अबटा 2 इंटू, ए कितना है, a है आपका 2, ठीक है। यहां देखिए अब इस क्वेश्चन को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए एक जैसा होगा तो प्लस होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें जिंदगी में कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस प्लस क्या होता है, इसमें डाउट नहीं है। एक जैसा होगा तो प्लस होगा, मतलब आप बताइए कि एक जैसा होता है तो जोड़ते हैं कि नहीं। आपसे बोले कि 4 लीची और 5 केला, कितना लीची हुआ तो बता सकते हैं, कहें कि ये का पूछ रहे हैं सर, ये तो दोनों को जोड़िए नहीं सकते हैं। बाबू एक जात का नहीं है तो क्यों जोड़ेंगे हम लोग, वैसे ही देखिए जो जो एक जात का दिखेगा उसे जोड़ेंगे। देखिए तो हाई हाई दोनों एक जैसा है तो ये भी जोड़ होता है, ये भी दोनों एक जैसा है तो ये भी जोड़ होता है, आई दोनों का है अलग अलग है तो दोनों का क्या होता है, घटा होता है। आपसे हम पूछ दे कि -2 में से -4 घटाइए तो कितना होगा, तो इसको घटेगा नहीं, दोनों का सिंबल एक जैसा है ना, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला जोड़ा है तो -6। ऐसे पूछे 4 × 2 ये कितना हो, तभी ये 6 होगा, लेकिन दोनों प्लस वाला है। ये मत पूछिए कि इसमें सर प्लस कहाँ है, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो प्लस में ही है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां देखिए सॉल्व करते हैं इसको, माइनस माइनस एक जैसा है तो प्लस में हो जाएगा 7, प्लस नहीं लिखते हैं,
25 का वर्गमूल होता है 5, अब बटा 2 × 2 = 4, ये x बराबर है ना। अब देखिए, अब एगो x बराबर आपको लिखना है, तो एक बार 7, एक बार प्लस के साथ 5, अब बट्टा में 4, तो 7 और 5 कितना होता है 12, अब बट्टा में 4, 4 × 3 = 12, एगो x बराबर कितना आ गया 3। अब एक बार काम करते हैं, माइनस में लेते हैं, 7 − 5 / 2, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2 / 2, क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, x बराबर है कितना आया 1। अब बताइए x बराबर एक क्या आया 1, एगो x बराबर आया 3। तो इससे एक उपाय बताए थे, बार बार दोनों x एक जैसा दिख रहा है, एगो को कुछ अलग मान लीजिए, एगो को मान लीजिए अल्फा बराबर 3, एगो को बीटा बराबर 1, अच्छा रहेगा, ताकि नहीं तो आपसे पूछेंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा, तो या तो कहिएगा आप 3, कोई बोलेगा 1, लेकिन यही हम बोले हैं कि अल्फा बराबर तो कभी ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, ये सिर्फ अलग थोड़ा सा दिखने के लिए किया जाता है। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ये है फॉर्मूला द्वारा, यानी कि आपसे पूछा जाएगा द्विघात समीकरण के फॉर्मूला क्या होता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस शुरू में माइनस होता है, ठीक है। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग 2 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको भर देना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। एक काम कीजिए, 2 नंबर आप खुद बनाइएगा, ठीक है, हम 3 नंबर बना रहे हैं, रूट वाला है, कहीं आपको फंसने की संभावना हो, आप 2 नंबर खुद बनाइए इसका। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4x² + 4√3x अब प्लस में 3 = 0, 2 नंबर आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ b का मान क्या भरिएगा, कुछ नहीं है ना, एक से खाली, तो यहाँ 1 भरिएगा, b का मान क्या भरिएगा 1, क्योंकि हम लोग नंबर ही भरते हैं। यहाँ देखिए a बराबर क्या है, a बराबर है 4, b बराबर क्या है, तो x वाला को छोड़ के, ए बी सी डी वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी सबको लिखते हैं, e वाला है 4√3 और c बराबर का है 3, हम लोग तो d निकालेंगे, d बराबर का होता है b² - 4ac, b कितना है, तो b है 4√3² - 4, ए कितना है, तो ए है आपका 4 और सी 3, 4, ये देखिए स्क्वायर से रूट तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन इसका स्क्वायर होगा 4 × 16, ये खत्म होगा, तो 16 × 3 = 48, अब माइनस ये भी हो जाएगा 48, 48 में से 48 जाएगा, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, इसका मतलब इसका भी अस्तित्व होगा, माइनस में नहीं ना आया, तो डी बराबर 0 आया, तो फॉर्मूला भरिए x, यानी कि द्विघात समीकरण, x बराबर शुरू में माइनस b प्लस माइनस √d अब बटा में 2a, ठीक है, तो यहाँ भरिए माइनस b कितना है, तो b यहाँ देखिए कितना है 4√3 है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस d कितना है, तो d तो 0 आया है ना, तो 0 क्या भरिएगा, 0 हटी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, 2 आ a का वैल्यू है 4 माइनस 4√3, ये लिखे चाहे ना लिखे, प्लस माइनस अब लिखने से क्या फायदा, जब इसका वर्गमूल 0 हो ही जाता है, इसको हटा दीजिए, अब बट्टा में 4 × 2 = कितना हो गया 8, 2 × 4 = 8 हो गया, सॉरी 4 × 2 = 8, ये हो गया √3/2, तो इसी को 2 बार लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, क्या है? मतलब यहाँ पे प्लस डालिएगा, तो इधर प्लस माइनस पीछे रहने से क्या है, हम बोले कि तनी 2 में से का लिखे हैं, तो इधर का लिखे हैं, कुछ ना लिखे हैं यार, इधर 0 लिखे चाहे ना लिखे, इधर 2 में 0 घटाओ चाहे 2 में से 0, मतलब 2 में 0 जोड़ो, सब बतिया एक ही होता है, ठीक है, तो इसको चाहे तो 2 बार आप लिख सकते हैं, √3/2, यही आपका आंसर 2 बार हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन भारी नहीं होता है, फॉर्मूला याद रखिए, माइनस बी प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a, ये याद रखिएगा, किसका फॉर्मूला है, ये मूल निकालने का फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का, लेकिन जो d होता है इसमें विवेचक होता है या विव्यक्तिकर होता है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, तो फिर हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।